हेलो। चलिए तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, कैसे हैं कैसे हैं कैसे। इट इज स्लाइटली लेस ऑफेंसिव सिनोनिम ऑफ वेला। वेरी गुड। हाँ ऊपर से कुछ नहीं जाएगा, रिवीजन वाली कर सकते हो आप, बट पॉइंट ये कि तुम्हारा भी रिवीजन आएगा। तुम अपना थ्रिल खत्म कर रहे हो आगे का जीवन में। आगे जो तुम्हारे थ्रिल आने वाला है ना, वो खत्म कर रहे हो, तो बस ये सोच लेना। ठीक है चलो। सो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ JEE PRMO KVPY ISI एंड CMI, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। ठीक है। सो दोस्तों, कल जब मैं JEE 2022 का रिवीजन करवा रहा था, तो मैंने पाया कि बच्चे लॉलीपॉनियल्स के ग्राफ में बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इतना इजी नहीं लगा बच्चों को जितना इजी हम सोच रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार हम आपको पूरा बता देते हैं कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं ये बता देते हैं। ठीक है भाई, आप चाहते थे कि सर आप बताओ आप कैसे करते हो। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। tinyurl.com/JEEADVMath, ये मेरा ट्रैकर है दोस्तों, यहीं पे आप लोगों को सारी की सारी कहानी, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। t.me/PJSir42, ये प्यारे बच्चों क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल। ये अमेजिंग टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही मजा आएगा आपको जीवन में। ठीक है। फिर गाइस, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं, और प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को ये चार चीज़ें मिलती हैं। आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं दोस्तों। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम प्राइड हो गया 24 के लिए, प्रीमियम हो गया, ठीक है, पिन्नू हो गया। प्रीमियम जो बच्चे अपनी 12वीं मेरे साथ देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि अगले 6 महीने में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो आप अगर ये सोचते हैं कि अगले 6 महीने बाद हम अपने आप को प्रीमियम बैच में सोचते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 18+3 का ऑफर जो चल रहा है वो लेके। 18 मंथ के साथ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन दोस्तों फ्री है। प्राइड बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके। पिन्नू में आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके। हर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा बैच है। देखिए क्या इंटेलिजेंटली डिजाइन बैचेस हैं। तो ये वो ऑफर है जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों। ठीक है। सो JEE मेन्स 22-23, ठीक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों मेन्स भी क्या है, मैथ्स में मैथमेटिक्स के लिए तो एडवांस दिए है कि नहीं। ये बैचेज हैं दोस्तों जो अभी चालू हो रहे हैं, देख लीजिए आप। रिविजन कोर्स भी 11th के लिए स्टार्ट हो रहा है, इसकी मैं बात कर रहा था, जो मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरे आना चाहते हैं। आपकी 11वीं सुधारेंगे, 12वीं में आप लोगों को हमारे बैच में लेके आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है। सो गाइज, अन अकेडमी चैंपियंस लीग आप लोग जानते हैं, जल्दी से आप लोग इनरोल कर सकते हैं इसमें। ठीक है। MS धोनी, आप MS धोनी को भी जानते हैं। PG LIVE कोड यूज़ करें दोस्तों T20 चैंपियन टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऑसम रिजल्ट है, और हर संडे को आप लोग कॉम्बैट दे सकते हैं। अब अगला कॉम्बैट दोस्तों मेरा आएगा 14 नवंबर को, नहीं 21 नवंबर को। ठीक है। तो 21 नवंबर को आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, और KVPY को लिखा है भाई। चलिए, तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं पॉलिनोमियल ग्राफ। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, कुछ चीज है राइट। मैं बढ़िया काव्य नोट कर रहा है ऑब्वियसली। देखो, सबसे पहले देखो देखो दोस्तों, अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इस चीज का ध्यान दें। जैसे मान लीजिए मैंने PX लिया A0+A1X+A2X2+ANX की पावर n। ठीक। AN ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो, AN ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। AN नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है। अब दोस्तों यहां पे है ना, सबसे हीरो है ना ये है। ठीक है, आप ये चीज मान के चलो दोस्तों, लाइक अमंग द असेंबली ऑफ एवेंजर्स दिस इज आयरन मैन, हु विल इवेंचुअली मैटर। समझे क्या मेरी बात, हु विल इवेंचुअली मैटर। व्हाई? जब एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी होता है दोस्तों,
या फिर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होता है, ऑल टर्म्स एक्सेप्ट ए एन कैन बी नेग्लेक्टेड। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसके इसके तहत, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को दो पॉलिनोमियल लेता हूं। देखिए देखिए, 2x की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1, छोड़ दो इसको, -3x की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 4x³ प्लस 1, कुछ भी ले लो मतलब। अब देखिए, अब जब इन्फिनिटी पे जाएगा एक्स, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, समझिए इस बात को आप, और डिग्री पॉलिनोमियल जाने जानबूझ के लिए, तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ना, पी एक्स विल टेंड टू इन्फिनिटी, पी एक्स विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। हाँ जी ना जी, समझ में आ रही है आपको बात, चाहे ये कितना भी बड़ा बड़ा इन्फिनिटी हो। देखो आप सोच सकते हैं, जैसे पॉजिटिव सोचना बच्चों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता, मगर नेगेटिव के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, बट ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी है। लिमिट्स के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आती है, वैसे बच्चों को आनी चाहिए लिमिट्स के बाद ये चीज, बट मैंने कल जो डिस्कम्फर्ट देखा अपने बैच में उसके तहत मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं। अब यहां पे पी एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा, यहां पे पी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, राइट। हाँ बेटा, लिमिट्स नहीं पड़ा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जेई 2022 के लिए है ना बेटा ये रिवीजन, तुम तो कॉम्प्लीमेंट्री आए हो, समझ रहे हो, पिनाकल वालों को आता है सारी चीज़, पिनाकल वालों को सारी चीज़ आती हैं, एक दो बच्चे हैं जिनको इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, वो रिवीजन के लिए आए हैं, ठीक है, क्लियर। ये केशव वाला जो बैच है ना, जो पिछले साल मैंने स्पेशल क्लास की सीरीज ली थी, वो ये चीज़ तो मैंने उसी समय पढ़ा दी थी छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चे को तो उसी समय मैंने पढ़ा दी थी एक बार, तो ठीक है, तो प्रीमियम बैच के अंदर, यस एक बार, तो ये चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ जो इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी के तहत हम दो कॉन्क्लूजन लेते हैं, इसी के तहत हम लोग दो कॉन्क्लूजन लेते हैं, वो ये है दोस्तों, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, लिख लीजिए आप लोग इसको, इज ऑलवेज ऑन टू का मतलब होता है कि सारी रियल वैल्यू ले सकता है, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ठीक, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ओके। फिर इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज आइदर बाउंडेड बिलो और अबव, ये लिख लीजिए आप लोग दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे देखो, यहां पे बच्चों को डेफिनेटली दिक्कत आती है, अब आप सोच के देखो, जब भी आपको दिक्कत आए ना, यहां पे आप लोग x की वैल्यू लो माइनस सोडियम या फिर माइनस एवोगैड्रो नंबर, अब आप सोच के देखो, एवोगैड्रो नंबर को एक बार के लिए बिल्कुल बेशर्मों की तरह 10 की पावर 23 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया -10 की पावर 23, ये कितना हो जाएगा आप सोच के देखो, 23 × 7 161, मतलब आप सोच के देखो, माइनस ऑफ 10 की पावर 161 आ रहा है यहां पे, और यहां पे प्लस का 10 की पावर 23 × 6 138 होता है। अब आप बताओ इसके सामने ये नेग्लिजिबल है या नहीं, इसलिए हम इग्नोर करते हैं, समझे आप मेरी बात, इसके सामने क्या है इसकी इज्जत बताओ, राइट, अच्छा मैंने डीपी भी अपलोड नहीं किया, मैं एक बार बहुत बात करता हूँ, शायद सॉल्ड एग्जाम्पल, अच्छा केवल सॉल्ड एग्जाम्पल आया उसके अंदर, ओके, मैं आज उसको करेक्ट करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, आज मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, टुडे वी विल करेक्ट इट, डोंट वरी अबाउट इट, आज इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास वैसे भी थर्सडे को है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, पहली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इवन वाला मैं अगले केस में, अगले पेज में इवन वाला ही बता रहा हूं। अब जैसे इवन वाला केस ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, अब देखिए दोस्तों, अगर ए एन
ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये बाउंडेड बिलो होगा, और अगर ए एन लेस देन जीरो है तो बाउंडेड अबव होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर 6 प्लस 4x³ + 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू हम लोग लेते हैं, -2x⁴ + x³ + 2, ठीक। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लो या माइनस इन्फिनिटी लो, ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे, राइट। तो ये है ना, मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट ग्राफ नहीं बना रहा हूं, केवल आपको अंदाजा दे रहा हूं, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, बाउंडेड बिलो, अंदाजा दे रहा हूं मैं आपको, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ बनाना तो सिखाऊंगा मैं तुम्हें, मुझे नहीं पता है कैसे जाएगा, ठीक है। फिर डिग्री 4 पॉलिनॉमियल है, ये ऐसा जाएगा, अब देखो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है हर बार, समझे, ये बाउंडेड अबव हो गया, समझे आप मेरी बात। अब इसको देखो, इसको मैं बोलता हूं दोस्तों रफ प्लॉट, और मेरे को एक चीज पता है दोस्तों, एक चीज पता है मुझे, डिग्री एन पॉलिनॉमियल, और इसका बेसिस ऐसा नहीं कि हवा में बता रहा हूं, डिग्री एन पॉलिनॉमियल मे हैव एटमोस्ट एन माइनस वन टर्म्स। जैसे देखो ये डिग्री 6 है ना, मैंने इतना ही क्यों बनाया, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न, ठीक है। डिग्री 4 है, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऑड डिग्री क्यों पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि ऑड डिग्री हमेशा सारी वैल्यू कैसे ले पाएगा। भाई कितने लोगों को मेरी बात चमक गई, बाउंडेड अबव बेटा मैक्सिमा मिनिमा भी बात करेंगे अपन, ठीक है। पॉलिनोमियल ऐसी खास चीज है दोस्तों जिसको आप एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हो, आप इस चीज को समझे, पॉलिनोमियल इकलौती ऐसी चीज है जिसको आप एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा। अब देखो जेई है ना, जेई ये चीज पूछती है आपसे, समझ रहा हो, जेई ने जैसे पूछा हुआ ना कि भाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का क्यूब, एक्स माइनस फोर की पावर 4, समझे, राइट। अभी इन सब चीजों को देखेंगे भाई, बताओ देखेंगे नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे, अभी इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई, अब ये अप्रोक्सीमेट प्लॉट करने से क्या होता है ना, हम ग्राफ बना पाते हैं। अब देखिए इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम लोग कितना ग्राफ बना सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं, एक बार देखें, एक बार इस चीज को देख ले कि केवल इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम कितना ग्राफ बना सकते हैं, देखें एक बार इसको, देखें एक बार इसको। अब देखिए मान लीजिए सबसे पहले मैं एक सिंपल ग्राफ लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, ठीक। अब ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल है या नहीं, अब ये केस है ना सबसे इजी केस होता है, ये ले लेता हूं ना मैं, चलिए तो मैं क्या कह रहा था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 मान ली। अब ये क्या दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं ये है ना 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या मैं कह सकता हूं, दिस इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, हाँ जी राइट, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट। नाउ
अब ये कह रहा सबसे इजी फॉर्म होती है जहां पे फैक्टराइज ही हो जाता है, चारों रूट्स ही पता चल गए, बताओ हद्दी हो गई मतलब। ये सबसे इजी फॉर्म होता है। इसको करने के लिए दोस्तों क्या करना है, अब देखिए आपको पता है कि लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट दोस्तों क्या है, पॉजिटिव। जीरो पे प्लॉट कर दो, जीरो पे वैल्यू 24 आएगी, राइट। जीरो पे निकालना सबसे सरल काम होता है, ये रूट्स हो गए आराम से, बड़े आराम से। समझे, क्लियर हो गए, क्लियर हो गया दोस्तों आपको, इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है हमें नहीं पता, ये पीक इससे नीचे होगा इससे ऊपर होगा हमें नहीं पता, राइट। ये सब चीजें हमें नहीं पता, थोड़ा और लैग हो रहेगा, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, राइट, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, राइट, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, है ना। आप लोग इसको कॉपी कर लो, जब तक तब तक मैं नेट का जो मेरा टर्शरी कनेक्शन है उसको लेके आता हूँ, वो चलना चाहिए। Now this shall work, this shall work, ठीक है। तो अब ये हो गया दोस्तों, है ना, 1 2 3, ठीक है। देखो तीन जगह डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना दोस्तों, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे आपको क्या चेक करना होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। 2022 वाले बच्चों समझ में आ रहा है ना ये बात, ये चीज तुम लोग जानते हो, बस पॉइंट ये है कि इसमें ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जीरो नॉट डिफाइंड नहीं बेटा, कुशाग्र यहां पे पॉलिनोमियल की बात चल रही है, नॉट डिफाइंड कभी होगा ही नहीं, समझ रहे, पॉलिनोमियल की बात चल रही है, हमारा कॉन्टेक्स्ट ही पॉलिनोमियल, समझ रहे मेरी बात को, हमारा कॉन्टेक्स्ट ही पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं, ठीक है, इसकी सर्चिंग मैक्स मिन। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं, जैसे ये पी एक्स है, ठीक है, पी डैश एक्स हमने निकाला, पी डैश एक्स, ठीक है, अब देखिए जीरो एट एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्स और मिन। बट अगर जीरो हुआ एट एक्स इक्वल टू सी फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं, देखो पिक्चर्स वर्थ 1000 वर्ड, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, यहां पे होगा ना तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। आप देखिए इन्फ्लेक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे कॉन के वी टी चेंज होती है, क्या चेंज होती है, कॉनकेविटी चेंज होती है, क्या चेंज होती है दोस्तों, कॉनकेविटी, समझ रहे हो दोस्तों, कोई बात नहीं बेटा प्रतीक, अभी देखो समझना भी नहीं है, ठीक है, फिर तेरा थ्रिल खत्म हो जाएगा 11-12 में पढ़ने का, ठीक है। कॉनकेविटी देखो, तो ये पहले क्या है, ग्राफ का माउथ नीचे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ का माउथ ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, ग्राफ का माउथ ऊपर ओपन हो रहा है। अब जैसे मैं आप लोगों को ये करके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे देखो दोस्तों खत्म हो चुका है आपका, अब मैं आपको ये करके बता देगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस, ठीक है, माइनस 9x 4x³ x³, मेरे को ये बनाना है जीवन में, मुझे ये बनाना है, मेरा फेवरेट पॉलिनोमियल, बना के रहूँगा मैं कुछ भी हो जाए,
ठीक है, एक्स की पावर 4/4 माइनस 9x³/3 प्लस 26x² / 2 माइनस 24x, ठीक है, राइट। हाँ, इन्फ्लेक्टेशन लिख दिया मैंने, सही बात है। अब आप देख पा रहे हो कि मैं केवल जीरो इकलौती ऐसी चीज है। चलो तुम कह रहे हो तो ये लो, जीरो को भी हटा दिया मैंने। अब तुम देख पा रहे हो कि यहां पे हम रूट्स वाला तरीका नहीं ले सकते। ये वाला जो तरीका है ना हमारा, ये खारिज हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? रूट्स कौन निकालेगा यार? अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को समझो। अब मैं, मेरे दिमाग में कैसे चलता है गेम, मेरे दिमाग में कैसे चलता है, आप मेरा गेम समझना दोस्तों। क्या समझेंगे आप मेरा गेम समझेंगे नहीं समझेंगे ये बता दो पहले। अब आप मेरा गेम समझो, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने देखा डिग्री 4 पॉलीनोमियल लीडिंग कोफिशिएंट है, ये मेरे दिमाग में आ गया। समझे आप मेरी बात? मेरे दिमाग में ये आ गया, क्लियर। सब लोगों के दिमाग में क्या घुसेगा ये क्लियर हो गया मेरे दिमाग में, पहले तो ये आ गया। अच्छा ठीक है, अब मेरे को ये सोचना इसका। अब देखो इसका फायदा पता है क्या है, मैं ये चेक नहीं करूंगा। तुम फिजिक्स में चेक करते हो ना कि कौन सा मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम होगा, मैं ये चेक नहीं करूंगा। मुझे पता है पहले मिनिमम आएगा, फिर मैक्सिमम आएगा, फिर मिनिमम आएगा। समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? कल अगर किसी ने मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने वहां पर मैक्स मिन चेक ही नहीं किया था, मुझे पता है कौन सा आएगा। अब मैंने किया पी डैश एक्स, तो ये आ गया x³ - 9x² + 26x - 24, जो कि होता है x-2 x-3 x-4। हाँ तो वो केशव यहां पता चलता है ना। अब देखो तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब मेरा काम क्या है, केवल 2, 3, 4 पे वैल्यू चेक करना, 2, 3, 4 पे वैल्यू चेक करना मेरा काम है, ठीक है। P2 मैंने निकाला, P2 दोस्तों, अब देखो थोड़ा सा कहना दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे ऑब्वियसली वैल्यू निकालने के लिए। तो 4 माइनस, यहां तो 3x³ था एक्चुअली, तो 3 × 8 = 24 प्लस 13x² = 13 × 4 = 52 माइनस 48 + 4, यही आएगा, चेक कर लो, यही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 56, 60, 60 - 72 - 12। P3 निकाल दो मेरे लिए, P3 निकाल दो बेटा, P3 निकाल दो। P3 सबसे डिफिकल्ट होगा, 81/4 - 3x³ है ये, तो -81 प्लस 13x² है 117 -72 + 4, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेट निकाल लेंगे, 121, ये तकरीबन 20 मान लो इसको, क्या जा रहा है हमारा, इसको 20 मान लिया हमने, ठीक है। ये कितना गया, जीरो तो नहीं आएगा, जीरो आ रहा है क्या, 147 141, हट, -9 आ रहा है मेरे तो। मेरा -9 क्यों आ रहा है, मतलब -9 के अप्रॉक्सीमेट क्यों आ रहा है मेरा, ये बताना तो एक बार, क्या आ रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली बता दो ना। -22 तो आ ही नहीं सकता, -22 तो आ ही नहीं सकता, 13 × 9 बेटा 117 आता है। ओ भाई, -47/4, मर गए, -47/4 आएगा भैया, मर गए हम तो। देखो 81/4 क्योंकि लिखना ही पड़ेगा ऐसे एक्यूरेटली, 81/4, अब ये कितना हो गया देखो, 121 -153, तो -32 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 128, तो -47/4 ही आएगा। अब P4 चेक करो आप, P4 आप जब चेक करोगे ना तो आपका कितना आएगा, P4 एक बार चेक कीजिए आप, P4 कितना आएगा। देखो ये तीन वैल्यू निकालनी जरूरी है, ठीक है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी भी नहीं आता कि आपको वैल्यू निकालने में इतना टाइम लगे, कभी नहीं देखा मैंने ऐसा क्वेश्चन जहां पे इतना टाइम लगे आपको वैल्यू निकालने। बस हम सीख रहे हैं इसलिए, और मैंने कोई भी रैंडमली जनरेट किया है इसलिए ऐसा है ये, ठीक है। अब देखो, अब आप देखना दोस्तों, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कितनी ब्यूटीफुल चीज है दोस्तों। अब आप देखना, ठीक है, 2 पे मिनिमा आएगा क्योंकि देखो 0 पर इसकी वैल्यू 4 है, इस चीज को समझे आप, 0 पे वैल्यू इसकी 4 है, मिनिमा आएगा 3 पे, मैक्सिमा आएगा 4 पे, फिर मिनिमा आएगा खत्म, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। P4 - 12 आ गया, तो ये -12 ले लो, ये मिनिमा आ गया, ये मिनिमा आ गया, समझे आप मेरी बात।
अब हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, देखो आपके पास कोई तरीका नहीं था ये सोचने का कि इस पॉलिनोमियल के कितने रियल रूट्स हैं। क्या मैंने कह दिया इसके टू रियल रूट्स हैं? क्या मैंने इसको कह दिया कि टू रियल रूट्स हैं? अब आप बताओ, आप खुद अरे माइनस कुछ भी ले लो, बस आप तो ये चीज सोचो, मैंने इस चीज को कोई सी भी इज्जत दी क्या कि भाई ये इन्फ्लेक्ट कहां पे करेगा? अपने आप हो गया वो। ये एनालिसिस अब काम आएगा आपके अप्रोक्सीमेट ग्राफ का। जब आपको ये अप्रोक्सीमेट पता है ना, तो आपको पता चल जाएगा ये कहां आएगा, राइट? क्लियर हो गया? अभी देखो, अभी अभिषेक गधे, हम पी डैश एक्स का ग्राफ नहीं बना रहे, पी एक्स का बना रहे। एक्स इक्वल टू 2, 3, 4 पे पी डैश एक्स 0 आएगा, तो वहां पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। वही तो कुछ और ही सोच रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या दोस्तों? पी एक्स के ग्राफ में पहले मैन्यूमा ही क्यों आएगा? यही तो हमाद बता रहा था बेटा, हमाद अख्तर, यही चीज मैं तेरे को बता रहा था। देख, जब लीडिंग पॉलिनोमियल है ना, तेरे दिमाग में ये ग्राफ लिया, पहले दिमाग में ये ग्राफ लिया, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता बेटा, समझा मेरी बात? इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो पहला मिनिमा ही आएगा ना। तेरा कितना एफर्ट बचा दिया देख, मैंने सोच के देख, कितना 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 एफर्ट बचा दिया मैंने तेरा, सोच के देख। वरना तू ये चेक करता, डबल डेरिवेटिव निकालता, फिर देखता कि भाई टू पे मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा। बट अगर थोड़ा बहुत तुम्हारा एनालिसिस प्रॉपर है ना कि भाई डिग्री फोर का पॉलिनोमियल ऐसा ही आएगा अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर? 2022, ओ 2022, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, काफी लोगों को क्लियर हो गया। चलो 2022 वालों को क्लियर होना चाहिए, 2023 वालों को तो मैं एक और बार पढ़ाऊंगा अभी पूरा, ठीक है? 2023 वालों की टेंशन नहीं मेरे को, 22 वालों को समझ में आना चाहिए, 23-24 वालों को तो पूरा समझाएंगे हम वापस। सर माय सी एम एंड अगर नेगेटिव हुआ तो फर्स्ट मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? चल राइट, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? लेट पी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, ये आपको दे रखा है। पी जीरो इज इक्वल टू, पी जीरो इज इक्वल टू फाइव, प्लॉट पी एक्स। अब देखो, अब मजेदार बात है, पी फोर माइनस ट्वेल्व ही आएगा बिल्कुल, राइट? अब आप सोच के देखिए, इसको दिमाग लगाइएगा इसके। अरे भगवान, एक मिनट एक मिनट, एक्स माइनस डिग्री फोर है ना ट्वेल्व, इसको अपन ने, इसको मैं ट्वेल्व कर देता हूँ क्या? ये तुम कह रहे हो तो ट्वेल्व कर दिया इसको, बस तुम कह रहे हो तो ट्वेल्व कर दिया मैंने इसको, तुम कह रहे हो तो मैंने इसको ट्वेल्व कर दिया, बस केवल तुम्हारे कहने पर, ताकि डेसिमल वेसिमल ना आए मेरा, ताकि डेसिमल वगैरह कुछ ना आए, ठीक है? केवल तुम्हारे कहने पर किया है दोस्तों, याद रखना है बात। सर वन शॉट्स रिकॉर्डेड होंगे बेटा, ये वन शॉट ही, एक तरह से ये वन शॉट ही है, ठीक है? तुम इसको लाइव भी देख सकते हो और चाहो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, मेहनत पूरी कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए, ये पक्की बात है, पूरी करेंगे, टेंशन मत लो। मैंने ये सोचा है कि अब कि सुबह है ना, एक सीरीज चला देता हूँ जिससे बच्चों का रिवीजन भी होता रहेगा, हमारे जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं। एलपीपी वाला तो बेटा लाइव है, एलपीपी तो लाइव है, वो तो लाइव है बेटा, बिना लाइव के हो नहीं पाएगा वो, समझ लो। जब तक मैं उसमें हंसी मजाक नहीं करूँगा ना, तब तक मेरा टाइम पास नहीं हो पाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, समझे आप इस बात को, समझ लो। वही तो, कब है एलपीपी का लेक्चर? एलपीपी का लेक्चर कब है? नहीं आपन, तुम लोगों नहीं आना, एलपीपी का लेक्चर कब है? कल है क्या? कल शेड्यूल है क्या? क्योंकि मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, मेरे को भी तो पढ़ना पड़ेगा, मैं आज पढ़ूंगा फिर, अगर कल मेरे को पढ़ाना है उसको तो, हमें आता थोड़ी है वो, समझ रहे हो? चलो
अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, पी एक्स पी डैश एक्स, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं आती मेरे को, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग आती है, माइनस 12 इंटू, अब पहले इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15 3 18 18 5 23 माइनस 50, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या, राइट। अब इसको इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट करने से हमारे यहाँ पे देखो क्या आएगा, x की पावर 4/4 माइनस 9x³/3 प्लस 23x²/2 माइनस 15x प्लस सी। अब आपका पी जीरो, और पी जीरो फाइव दे रखा है, पी जीरो आपका 5 दे रखा है, इसको हम कैसे यूज करेंगे देखना, पी एक्स मेरा आ गया माइनस 3x⁴ प्लस 36x² 23 6 जा कितना होता है, 23 6 जा कितना होता है, अभी अभी किया था वैसे हमने, 138x² माइनस प्लस 180x, ठीक है, इसको मैं 5 लिख सकता हूँ क्या, बस सिंपली सिंपली 5 लिख सकता हूँ क्या, बाकी सब छोड़ो, क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब आपको मैंने पॉलिनोमियल बता दिया, अब पॉलिनोमियल पता चल गया आपको, अब देखो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। अब देखिए मेरे को केवल 135 पे वैल्यू निकालनी है, पी वन कितनी आएगी देखो, आप कोफिशियंट का सम होता है, ये तो कोफिशियंट का सम होता है 216 221 221 माइनस 141 80, राइट। पी थ्री, अब देखो एक मैंने निकाल दिया, दो दो तुम निकालोगे, तुम इतने सारे लोग हो, एक मैंने निकाल दिया बाकी सब तुम निकालोगे, राइट। पी थ्री तुम निकालोगे, पी फाइव मैंने, पी फाइव भी चलो तुम निकालोगे, ठीक है। अब जैसे थ्री है ना, देखो थ्री को देखो, थोड़ा सा इसमें क्या है ना, तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, अब माइनस 243 प्लस 36 × 9 324 माइनस 138 × 9 पूरा नहीं निकाल रहा, इसमें ना थोड़ा सा कॉमन वॉमन लेने का दिमाग लगा लिया करो, जैसे पहली दो टर्म्स में तुमने 27 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये कितना आएगा 36 माइनस 9, ठीक है। अगली यहाँ पे दो टर्म में 9 कॉमन लो, 9 तुमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 3 × 3 9 आ गया, तो 60 माइनस 138 हो गया, सही बोल दिया क्या मैंने, सोच के देखो, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा वो मेरे को भी नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो होगा। अब यहाँ पे 9 कॉमन लिया तुमने, देखो 9 27 × 3 81, अब यहाँ पे देखो कुछ तो फायदा हो गया, देखो कितनी बढ़िया कैलकुलेशन बन गई, वाह क्या बात है, देखो अब मजा आया ना, 27 + 5 = 32 आ गया पी थ्री, ठीक है। अब पी फाइव भी निकाल लो, पी फाइव भी निकाल लो, पी फाइव में भी सेम लॉजिक लगाओ, ठीक है, पी फाइव में सेम लॉजिक लगाओ, 125 × 36 - 15, ठीक है, प्लस 25, ठीक है, कितना आ गया 36 - 138 प्लस 5 हो गया 21, अब यहाँ पे 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन लिया तो 5 × 21 105 माइनस, यहाँ पे कितना आ गया, क्या बात है, क्या हो रहा है, ये मैक्सिमा ही आना था, सही है, तो 3 × 25 75 प्लस 5 80, फिर से 80 आ गया, वेरी गुड। तो अब देखो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, समझें आप इस बात को, समझें, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 80 है, ये 32 है, ये 80 है, कदा इसके भी दो रियल रूट्स हैं, राइट राइट, क्लियर हो गया आपको। देखो दोस्तों ओपी तब होगा जब तुम कर पाओगे सब चीजें, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो बचपन से कर रहे हैं, अब तुम कर पाओगे ना तब आएगा मजा, है कि नहीं, तो यही तो मैं देख रहा, देख सुन मेरी बात, थमाद
मैं इंक्रीजिंग, देखो वो एक स्टैंडर्ड तरीका है जो पूरी दुनिया बताती है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना पड़ेगा, मोटोटोटिटी चेक करनी पड़ेगी, कॉनकेविटी कहाँ पे चेंज होती है, कहाँ पे क्या होता है, सब चेक करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। मगर फिर दोस्तों कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें भी तो होती है जीवन में, थोड़ी बहुत आर्टिस्टिक भी तो होती है चीज़ें, ठीक है। यार देखो दोस्तों, मेरे को मोनोटोनिसिटी बोलना नहीं आता, इसलिए मैं मोटोटोटिटी बोलता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कब एन आता है, कब टी आता है, फिर कब एन आता है, इसलिए मैं मोटोटोटिटी बोलता हूँ। क्योंकि देखो पहले एन आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर टी आ रहा है, मतलब देखो मोनोटोन का मतलब यही होता है कि एक टोन होनी चाहिए, और खुद मोनोटोनिसिटी वर्ड के अंदर एन टी मतलब व्हाट इज दिस, कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ है यार, कितनी कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ है। तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, एन और टी को सबको रिप्लेस कर दिया टी से, ठीक है। पहले मैंने एन सोचा था, मोनोनोनिटी, समझ रहे हो, मोनोनोनिनी, बट ये समझ में नहीं आ रहा था, ये तो बिल्कुल गंदा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसको मोटोटोटिटी कर दिया समझे। क्लियर हो गया आपको, नोटेड नोटेड। सर बाय द वे, तीन सीपी में एक्सट्रीम दोनों में सेम सेम वैल्यू आ रहा है, बाय फ्लू क्या कुछ स्पेशल? अरे मैंने पॉलिनोमियल में सिमेट्रिकल ले रहा हूँ ना, एक्स इक्वल टू थ्री के अबाउट सिमेट्रिकल है, थ्री के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब इस पॉलिनोमियल को तुम, मैं बताता हूँ क्या ले सकते हो, यू विल बी थ्रिल्ड टू नो दिस, यू विल बी थ्रिल्ड टू नो दिस, ठीक है। इसको तुम कैसे ले सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको तुम ले सकते हो एक्स माइनस थ्री का, मतलब ये जैसे अपन वो करते हैं ना, तुम सोच के देखो, जैसे उसमें वर्टेक्स आती है ना क्वाड्रेटिक के अंदर, उसको परफेक्ट स्क्वायर माइनस या प्लस समथिंग कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू से ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से, उसी तरीके से, समझ रहे हो, ठीक है। दो रियल रूट कैसे पता चला बेटा, देखो दो जगह कट कर रहा है जीवन में, हमें बता रखा है, लिख भी लो, ये नोट भी कर लो जिसको नहीं पता, जहां पे एक्स एक्सिस कट होती है वही रूट होता है, क्लियर। क्लियर हो गया भाई प्यारे बच्चों, जहां पे वाई कट हो रहा है वो पी जीरो होता है, मतलब जहां पे जीरो वैल्यू है, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो लॉलीपॉल की वैल्यू है वो होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने लिख लिया, अब क्वेश्चन, ठीक है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर एक्स माइनस थ्री क्यूब एक्स माइनस फोर की पावर फोर एक्स माइनस फाइव की पावर फाइव। लेट एम डिनोट दी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो एंड डिनोट दी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीमा बोलते हैं इनको ऑफ पी एक्स, फाइंड एम प्लस एन। अब आप इस चीज़ को समझो कि आप यहाँ पे पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे कुशाग्र तू, इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इतने बड़े नहीं हुए अभी आप, समझे आप मेरी बात, अब आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2021 का है, आप जानते हैं जेई एडवांस 2021 में स्टेम क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब बताइए आपको,
133 एम प्लस एन। अबे अभिषेक गजब गधा आदमी तू, अरे 133 बता रहा है, 133 कैसे आएगी यार, है गजब करते हो। देखो आधा काम मैं तुम्हारा कर देता हूं, एम की वैल्यू 4 है। अब मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, ठीक है राइट। अब देखिए दोस्तों, जब आप पी डैश एक्स करेंगे ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। पी डैश एक्स आप करेंगे, ठीक है, पी डैश एक्स आप करेंगे ना, अब आपको देखो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 3 4 5, क्या ये 14 डिग्री का पॉलिनोमियल है? 14 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बताओ बताओ, ठीक है। अब पी डैश एक्स जब आप करोगे ना, इसमें इसकी पावर 4 आएगी, इसकी पावर 3 आएगी, इसकी पावर 2 आएगी, इसकी पावर 1 आएगी, और फिर अब ये कितना 10 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, और ये दे रखा था आपको, ठीक है। सुनो 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 सुनो, अब इसमें क्या होता है ना, देखो अब जैसे यहां पे, अब वैसे तो देखो निकाला जा सकता है, इसको निकाला जा सकता है वैसे तो, ठीक है, कि बस इस डिग्री 4 पॉलिनोमियल को भी निकाला जा सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे ना पी डैश एक्स को प्रोडक्ट रूल से कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये आएगा एक्स माइनस फाइव, पहले एक्स माइनस फाइव को निकालो, 5 4, एक्स माइनस 4 4, एक्स माइनस 3 2, एक्स माइनस 2 स्क्वायर, आप समझ लो इस तरह की चीजें आएंगी। अब एक एक करके इसको निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही कातिलाना चीज है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना दोस्तों, क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि अब आप लोगों को ये बताना है फाइंड, जैसे एम प्लस एन है, एम प्लस एन की जो रेंज है ना वो क्या होगी, आप बताओ। एम तो फिक्स आ गया, एम तो फिक्स आ गया। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा में, ये मैक्सिमा मिनिमा में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये मैक्सिमा मिनिमा में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, हाँ यार मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर पावर ऑड पावर्स होंगी किसी की, वो ही मैक्सिमा मिनिमा में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो एन दोस्तों या तो 2 हो सकता है मिनिमम, या फिर आपको इसके 4 रियल रूट्स आ गए, ये हो सकता है। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी, बताइए, इसके 4 रियल रूट्स आ सकते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि रूट रिपीट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो, ठीक है। मैंने बताया था मैक्सिमम मिनिमम में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जहां पे आपका, देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट को अब इज्जत मिल रही है, इस पॉइंट को अब इज्जत मिल रही है, मैंने रियल रूट्स लिखा ही नहीं, देख समझ बात को, सॉल्यूशन लिखा है मैंने, आई एम वेरी मेटिकुलस इन सिलेक्शन ऑफ माय वर्ड्स, ठीक है, खासकर रूट सॉल्यूशन और जीरोस के अंदर, पता ही है आपको काव्य, मैंने सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ रियल रूट्स, राइट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ रियल रूट्स। यहां पे मैंने कहा कि अगर 4 रियल, देख अगर मान लिया इसके 4 रियल रूट हुए, 4 रियल रूट हुए सब डिस्टिंक्ट हुए, तो एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर इसके रूट रिपीट हो गए, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, समझे क्या मेरी बात, राइट, क्लियर हो गया क्या आपको? तो जो एम प्लस एन है ना दोस्तों, वहां पे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम प्लस एन कितनी आएगी, 10। मिनिमम वैल्यू ऑफ एम प्लस एन कितनी आएगी, अब मेरे जो 22 के, 2022 के चिरकुट है वो बताएं, क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई? भाई हमने क्या कहा, केवल 22 वालों से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नीट एस्पिरेंट्स को अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो मैं बाद में समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, राइट, डोंट वरी अबाउट इट, उनको तो मैं समझा दूंगा। एम इक्वल टू 4, बेटा देखो 4 ही तो रूट्स है, इसको तो सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 करके सॉल्व भी तो करना, गजब आदमी यार काव्य है, राइट
हाँ देख, एन मैक्सिमम रिपीट कर रहा हूँ संजीव। देखो संजीव 22 एस्पिरेंट है, जिसको समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला कि जब ये इवन डिग्री बार, इवन बार रिपीट होगा ना, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट बेटा ये हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया, दो ये हो गए। अब ये डिग्री फोर पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम रियल रूट्स फोर हो सकते हैं, मैक्सिमम रियल रूट्स फोर हो सकते हैं, और उनकी मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। जैसे ये एक फोर की मल्टीप्लिसिटी थ्री है, फोर तीन बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चार रियल रूट इधर आ गए, तो चार क्रिटिकल पॉइंट इधर आ सकते हैं, ऐसे मान लो, है ना, चार क्रिटिकल पॉइंट इधर आ सकते हैं। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए, चार इधर दो इधर। ओके लिख लो इसको, लिख लो इसको, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लें आप। मैं आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको जेई एडवांस का जो 2021 का पेपर आया था ना, वो देता हूँ मैं आपको, जितना मुझे याद है पेपर टू में आया था शायद, कल भी गलत याद था मुझे, आज भी गलत याद हो सकता है, कोई खास बात नहीं है, कल भी मुझे गलत याद था, आज भी गलत हो सकता है। आज सही याद है मुझे, आज मुझे सही याद, नहीं इंटीग्रेशन के साथ है भाई, नहीं देंगे इंटीग्रेशन के साथ है ये दोस्तों, इसलिए नहीं दे पाएंगे, सॉरी सॉरी। ठीक है, पेपर वन टू में था सज्जन, पेपर टू में था, पेपर वन में ना 2020 में, बता 2020 और 2021 में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आ गया, ये मैं सोच रहा था, बताया 2020 में रिवीजन है कुशाग्र, तो तुम्हें अलग से देंगे ना बेटा, जो अपना वेंसडे सैटरडे वाला टाइम उस समय अलग से देंगे ना, क्या बात कर दी तुमने यार, 2022 वालों को इंटीग्रेशन हो चुका है ना, गुरुजी उनका पूरा सिलेबस हो चुका है, अभिषेक जी गजब करते हो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, चलो फिर भी मतलब तुम लोग के लिए ओके हो जाएगा, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है सर, उसको कैसे प्रूव करेंगे कि इवन पावर में ऑड पावर वाले में मैक्सिमम मिनिमम रिपीट करेंगे, यही बेटा एक थ्रिल है, यही वो वाला पार्ट है जहां पे कटप्पा ने ये बोल दिया है कि मैंने बाहुबली को मारा है, क्यों मारा है ये आपको पता चलेगा 12वीं क्लास में, यही वो पार्ट है दोस्तों, जुड़े रहिए जुड़े रहिए जानने के लिए, ये प्रसारण में आपको बताया जाएगा। ठीक है चलिए, तो अब देखिए जो क्वेश्चन था मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि ठीक है एफ एक्स है, मैं आपको सिंपल वाला क्वेश्चन देता हूँ, 98x-1 की पावर 50 -600x-1 की पावर 49 +2450। ठीक है अब देखिए इसमें क्या है ना, m पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है, n पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक, इसके अंदर आपसे ये पूछा है 6m, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब कोई चेंज नहीं किया मैंने इसके अंदर, 8 mm मतलब, वही तो मैं नहीं रहूंगा 12th में आपके पास यहां पे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देखो इस वजह से मैं आज बता दूं ये गलत है कि नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो बट अभी इस वजह से हम आज बताते हैं, ये नहीं हो पाएगा भाई, और क्या? अच्छा प्लस पे रहूंगा आपके पास, स्पेशल पे नहीं, हाँ तो प्लस पे रहेगा ना, तो प्लस पे ही तो कह रहा हूँ, प्लस पे तो बताऊंगा ही सही ना मैं, तो यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ भाई, करें दोस्तों आप इसको करें आप, बड़ा सिंपल सवाल है। अब आप देखो जेई एडवांस क्या पूछ रही है, मैंने तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था उससे, जेई क्या पूछ रही है देखो आप, और फिर आप कहते हो जेई का पेपर टफ आता है। सर आपने अर्ली स्टार्टिंग में जेई का कितना सिलेबस कवर किया था जेई, आप सोचो मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर ली थी, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो जेई के प्रिपरेशन के मिड में, आप सोच के देखो मेरे को जो बेसिक कैलकुलेशन उसमें दिक्कत नहीं आती थी, अब आप सोचो कितना बड़ा पार्ट मैंने कर लिया था, मैंने कुछ भी ऐसे जल्दी नहीं पढ़ा था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जल्दी नहीं पढ़ा था, मैंने डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के टाइम पढ़ा था, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के टाइम पढ़ा था, वेक्टर वेक्टर के टाइम पढ़ा था, बट मेरी कैलकुलेशन सॉर्टेड थी, आप इस चीज़ को समझें, उस पर मैंने बहुत मेहनत की थी,
बताओ।42 आया मेरा। लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा क्या है? जो बेटा लोकल दिख जाए मतलब मैक्सिमम मिनिमा ही है कुल मिला के। कुल मिला के भाई जहाँ पर नीचे और ऊपर वाला और क्या। अभी देखो जो मैंने बताया ना उससे हो जाएगा। देखो एफ डैश एक्स किया आपने, खट से हो जाएगा 49। 98 × 50 4900 होता है जितना मुझे पता है। एक्स माइनस वन की पावर 49 माइनस 49 × 6 क्या होता है ये? ये होगा गे? अरे यार ये होगा गे? नहीं यार ये क्या तो गंदा आ रहा है। अब देखिए आप 4900 आपने कॉमन लिया, 4900 एक्स माइनस वन की पावर 49 कॉमन लिया बेटा। ठीक है एक्स माइनस वन की पावर 49 कॉमन लिया। अब आपका कितना आ गया यहाँ पे? एक्स माइनस वन माइनस कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। चलो आप कह रहे हो तो 48 आ गया। तो ये कितना हो गया? 4900 इंटू एक्स माइनस वन की पावर 49 इंटू एक्स माइनस। अब हमारे लॉजिक के अनुसार ये देखिए 50 डिग्री का लॉलीपॉनियल है, 50 डिग्री का लॉलीपॉनियल है, 50 डिग्री का लॉलीपॉनियल है। तो ये और इसका देखो दो ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, दोनों में ऑड डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 48 कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन ले लो तुम। अच्छा यहाँ पे कॉमन आएगा, ओह ये कह रहे हो, सॉरी फिर तो इम्पैक्ट करेगा। ये कुछ नहीं है, ये कछुना है, ये कछुना है राइट। अंदर एक्स माइनस सेवन लिख लो। हमें तो काउंट करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करने अपने को बेटा, है कि नहीं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करने अपने को राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो एक्स माइनस, अब आप सोच के देखो एक्स माइनस वन पे ये पहले हमें मिनिमा ही देगा और कुछ नहीं दे सकता है। ये चाहे ऐसा कुछ ग्राफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मिनिमा ही देगा हमें। तो मिनिमा एन है तो ये वन आ गया। ओ सॉरी ये है, ये 0 है राइट। तो बस आंसर आ गया 6, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब आप सोचिए देखो ये जेई मेन के अंदर, जेई एडवांस के अंदर एज इट इज क्वेश्चन है, जेई एडवांस के अंदर एज इट इज क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी आपको लॉजिक क्या बताया भाई, अगर यहां पे इवन डिग्री आ गया तो ये मैक्सिमम मिनिमम में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है सज्जन, गदर, अभिषेक, समझ में आया? संजीव, हमाद, अभी अभिषेक तिवारी की बात कर रहा हूँ, अभिषेक तिवारी की। ठीक है दो अभिषेक हैं हमारे पास। ठीक है क्लियर हो गए? ठीक है तो वन नहीं करेगा ना, वन कहाँ लिया बेटा मैंने? देखिए देखो तेरे को पता है अक्षित, वन यहाँ पे कहीं होगा मार्केट में, सेवन यहाँ पे कहीं होगा, समझ रहे? सर्वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला। देखो अपने क्या कर रखा है सज्जन, जब डिग्री इवन आएगी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा राइट। हाँ 49 तो मैंने भी पढ़ लिया, 49 दिया था राइट। सर अगर हम कॉमन ना लेके देखें तो एम इक्वल टू एन इक्वल टू वन आ रहा है, कॉमन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? यार ये गजब बात भी तू यार। अबे जब हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखना है तो कॉमन तो लेना ही पड़ेगा भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। जीरो उसके रूट्स निकालने होते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना होता है तो कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है चलो अब एक और करोगे, एक और करोगे। ठीक है अब देखो सर बिना एफ डैश एक्स कोई एलजेब्रिक अप्रोच नहीं है, सॉरी बेटा क्वेश्चन ही कैलकुलस का है मतलब इट इज लाइक कि सर मेरे को ये दे रखा है। ठीक है अब सर आप इसमें कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल तरीका बताइए इसको सॉल्व करने का। ठीक है इसको फिर भी किया जा सकता है, एक्स लेंथ का एक स्क्वायर मान लो, ठीक है फिर 3x का रेक्टेंगल मान लो, जैसे जो प्रूव होता है राइट। तो
यार जो कैलकुलस का क्वेश्चन है उसको कैलकुलस से तो करेंगे ना। ठीक है, अब जल्दी से ये आखिरी कर दो, जल्दी से आखिरी कर दो यार, जल्दी से आखिरी कर दो। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन आखिरी कर दो दोस्तों, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन कर दो फटाफट से, मेरे को फटाफट आंसर चाहिए होगा इसका ना। वापस है वही वैल्यू निकालनी, एफ एक्स ये है टी माइनस वन एफ टी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू स्क्वायर एक्स, सॉरी ये एफ डैश एक्स दे रखा है आपको, सीधा एफ डैश एक्स ही दे दिया, बताओ एक्स माइनस 21 की पावर 21। ठीक है, अब आपको यहां पे फिर से ये निकालना है 2m प्लस 3n प्लस mn, ये निकालना है। इसमें क्या था, m मिन पॉइंट n मैक्स पॉइंट। ठीक है, ये एफ डैश एक्स दे दिया सीधा ही, मतलब समझ लो एफ डैश एक्स दे दिया, कुछ डिफरेंशिएट क्वेश्चन नहीं, सीधा वैल्यू बता दी है, यही दिया था क्वेश्चन एग्जैक्टली जेई में, यही क्वेश्चन आया एडवांस जेई एडवांस 2021 में, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था जहां पे एफ डैश एक्स दे रखा था। अब भी नहीं बता पाओ तो बेटा फिर तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है क्या बबुआ, ठीक है क्या, डन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो सीधी सी बात है, 1 3 5 इन पे ही कॉन्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देखो जो गेम है वो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 पे। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक कितनी डिग्री का पॉलीनोमियल है ऐसे कैलकुलेट करो। ठीक है, 21 × 22/2 और डिग्री का पॉलीनोमियल, और डिग्री का पॉलीनोमियल मतलब पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा, तो पहले मैक्सिमा से चालू होगा और इसमें देखिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैक्सिमा 6 आएंगे मिनिमा 5 आएंगे। राइट, लक्ष्य गलत आया तुम्हारा, लक्ष्य अलवादी तुषार गलत आया तुम्हारा, सोच के देखो N6 से M5 इवन डिग्री का पॉलीनोमियल कहाँ है। अरे हाँ यार देखो ये मैंने गलती कर दी, माय मिस्टेक, इवन डिग्री का पॉलीनोमियल। ठीक है सॉरी, इवन डिग्री का पॉलीनोमियल क्योंकि एक डिग्री इंटीग्रेट भी तो होगा यार, गधो कैसी बातें करते हो, इंटीग्रेट भी तो होगा, ये इंटीग्रेट होगा, माय मिस्टेक, इंटीग्रेट इंटीग्रेट होगा दोस्तों। तो ये इवन डिग्री का पॉलीनोमियल, तो ये पहले मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा, तो इसका मतलब एम और एन ये आएगा। बिल्कुल सही जवाब, जो तुम कह रहे थे वही सही है। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 12 प्लस 15 प्लस 30 57। राइट, सोच लो यार क्या चीज आ रही है जेई में, जेई में क्या चीज आ रही है, 4 नंबर आगे तुम्हारे फ्री में। अरे यार हद हो गई, कैसा लग रहा है तुम्हें 4 नंबर लागे, 6 × 5 = 65। वेरी गुड दिशांक, दोस्तों देखो ये है बच्चा जो NTSC में टॉप 5 में था अपनी स्टेट में, और 6 × 5 = 65। तालियां तालियां तालियां, शानदार प्रदर्शन। ठीक है, सो गाइस आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तुरंत इसको ज्वाइन करें आप। ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, पीजे लाइव कोड यूज़ करें मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आने के लिए, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड पीजे लाइव। देखिए समय बहुत जल्दी खत्म होता है मुझे पता है, इन सब चीज़ों में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि बहुत ही जल्दी समय समाप्त होता है, तो ऐसा ही लगता है। बाय बाय।